हर इंसान को वैलिडेशन, अटेंशन और रिकग्निशन जैसी चीज़ें चाहिए होती हैं। इन शॉर्ट, हर इंसान को कूल बनना होता है। लेट्स रोल। और आजकल कूल बनने के लिए तो लोग कितनी एफर्ट करते हैं, जैसे ये। अब कूल बनने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि जिसमें हम कूल बनने के चक्कर में इधर उधर निकल जाते हैं। चलो मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये हूँ मैं। यूनिवर्सिटी के गेट से इंटर होते ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि बस अब मैंने कूल बनना है। यह यूनिवर्सिटी का कूल क्रू। मैंने तो बस इनसे ही दोस्ती करनी थी, इसलिए हमने यूज़ की अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हो गई इनसे दोस्ती। पर ये सारे लोग इतने कूल और टैलेंटेड थे कि कुछ ही दिनों में मुझे तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो गया। फिर आया एक इवेंट का दिन। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आज अपन कुछ डेयरिंग करेगा। खैर डेयरिंग तो कुछ हुआ नहीं, अखलाक के दायरे से गिर के एक लड़की का मजाक उड़ाने लग गया और मिल गई थोड़ी सी सस्ती शोहरत। पता नहीं, अब तो लगता है शायद ये लोग मुझ पे ही हंस रहे थे, लेकिन मैं बेवकूफ़ों की तरह बहुत ही खुश था और जिस चीज़ पे मुझे शर्म आनी चाहिए थी उसको अपनी अचीवमेंट समझ बैठा। नॉट सो कूल राइट। इस सब के बाद तो मेरे दिल में जो आता था मैं सामने वाले को बोल देता था। दो तीन लोग हंस लेते थे और मुझे लग रहा था मैं बहुत कूल हूँ। फिर हुई ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद मेरी सोशल लाइफ ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी। फिर चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो गई। कैसे? ऐसे। मैं जैसे जैसे लोगों के स्पॉटलाइट से निकलता गया, वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गई थी जिनको मैं नज़रअंदाज करता आ रहा था। पहले तो अजीब सी सफोकेशन हुई कि सारे ख्यालात क्यों आ रहे हैं मेरे दिमाग में, लेकिन इर्द गिर्द की खामोशी ने मुझे अपने अंदर की आवाज़ सुनने पे मजबूर कर ही दिया था। और फिर जन्म लिया बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ ने। और मुझे इस चीज़ का भी एहसास होने लगा कि हमारे इर्द गिर्द कितने सारे लोग खामोशी से अपने इंटरनल बैटल्स लड़ रहे होते हैं और हम बगैर कुछ सोचे समझे उनको कुछ भी बोल देते हैं। और तब जाके दोस्त की ये बात समझ आई कि थिंग्स डोंट हैपन टू अस, दे हैपन फॉर अस। कुछ ही दिन पहले मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की और जैसे रिस्पांस अच्छा आया मेरी क्रिएटिव अर्ज रिएक्टिव अर्ज में चेंज हो गई कि कैसे अब कोई कैचिस आइडिया लेके आऊँ। लेकिन फिर अच्छा है मुझे अपनी ये नॉट सो कूल वाली स्टोरी याद आई। वैसे भी अगर मेरी फर्स्ट वीडियो को देखा जाए तो उसमें मेरे पास ये रिस्पॉन्स वाला रेफरेंस पॉइंट नहीं था। जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरे साथ हो रहा था, मैंने उसके बारे में एक वीडियो बना दी। एक चीज़ तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गई कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही हो, ऑथेंटिक लग रही हो और आप दिल से बनाओ तो वो लोगों को पसंद आएगी, बजाय इसके कि जो लोगों को पसंद आए आप वो बनाओ। आई होप इट मेक सेंस। मेरा ये हरगिज़ मकसद नहीं कि आप खुद को एक्सप्रेस करना ही छोड़ दें और एक सीरियस संजीदा से इंसान बन जाए। सोसाइटी में हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि लोग उसके ख्यालात को सुने, समझें और उसको उसके होने का एहसास दिलाएं, लेकिन अक्सर हम दूसरों को अपनी आवाज़ पहुंचाने के चक्कर में खुद को ही चुप कर बैठते हैं। और अगर हमसे कोई ऐसी हरकत हो भी जाए तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि जैसे गलती करना इंसान की फितरत में है, वैसे गलती का एहसास और इसके सुधारने की सलाहियत भी इंसान के पास ही मौजूद है। तो चलता हूँ, बाय।